तो उस जैसे हमने पढ़ा सुनो श्रवण, और एक है सुनना और एक है श्रवण करना, हियरिंग एंड अटेंटिव हियरिंग, चैंटिंग एंड अटेंटिव चैंटिंग, रीडिंग एंड अटेंटिवली स्टडिंग। तो ये फर्क है ना। ऐसे ही फेथ एंड अनफ्लिंचिंग फेथ, विश्वास और सुदृढ़ विश्वास, ये है। और ये अनफ्लिंचिंग फेथ कैसे आएगा, सुदृढ़ विश्वास कैसे होगा, उसके दो कारण, एक है स्टेबिलिटी का ना होना और दूसरा है कॉन्टिन्यूटी का ना होना। क्या है? स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। हमारी सेवाओं में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है, शास्त्रों में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, साधना में कॉन्टिन्यूटी नहीं है और स्टेबिलिटी नहीं है। जब भी करेंगे विचलित मन के साथ करते हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, तब मुझे याद आता है जब भी तो करना है, ग्रंथ भी तो पढ़ना है, और पढ़ते 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 वो सारे काम जब स्मरण आते हैं तो वो क्या होता है, अनस्टेबल चैंटिंग, अनस्टेबल रीडिंग, अनस्टेबल हियरिंग, बहुत सारे काम याद आ रहे होते हैं। तो क्या करें, स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी इनको रखने के लिए सतोगुण मेंटेन करो, है ना। इजोलिनेस महाविष्णु स्वामी कहते थे सतोगुण मेंटेन करो, सतोगुण। हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण होंगे, बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए रजोगुण और तमोगुण से दूर रहें और अपने अंदर सतोगुण वातावरण को लेकर के आए। अब सतोगुण वातावरण लाने का फायदा क्या है, तो आपकी सतोगुण आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और आपकी कॉन्टिन्यूटी आएगी। रजोगुण और तमोगुण में कॉन्टिन्यूटी स्टेबिलिटी भंग होती है। जैसे आपको फ्लाइट लेनी है दिल्ली एयरपोर्ट से और 10 दिन के लिए आप जा रहे हो, विदेश जा रहे हो या डोमेस्टिक एयरलाइंस ले रहे हो, तो क्या होगा, ऐसे समय में जब आप फ्लाइट लेकर जाओगे तो आप घर के सारे काम बंद करके जाओगे कि नहीं, पहले बच्चे का स्कूल का होमवर्क ले लो, बोले 10 दिन यात्रा पे जाना है, है कि नहीं। आप बैंक में कुछ पैसे जमा करने कर दो, बुक्स लेनी है परचेज कर लो, फिर 10 दिन बाद होगा। कोई गेस्ट आने वाला है, बोले या तो अभी आ जाओ या तो 10 दिन बाद, अभी हम 10 दिन के लिए बाहर। तो जब हम प्लानिंग करके एक यात्रा के लिए जाते हैं, जन्म से मृत्यु की यात्रा के लिए कोई प्लानिंग नहीं, इसमें स्टॉप नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा, इनिशिएशन होते हैं ना, भक्ति कहते हैं मेरी दीक्षा हो जाए, इनिशिएशन मिल जाए। इनिशिएट कब होता है, भक्ति कब शुरू होती है, जब भौतिक संसार में स्टॉप लगता है, उनकी प्लानिंग्स में स्टॉप लगता है। परमानेंट मत लगाओ, कम से कम उतनी देर के लिए तो लगा दो, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग के टाइम पर तो लगा दो, स्टॉप लगा दो, उस टाइम कुछ मत चिंतन करो। हिजोलिनेस राधा गोविंद स्वामी अपनी कथा में कहते हैं कि जब व्यक्ति धाम यात्रा में जाए, भागवत पढ़ने जाए, उसको एक हफ्ते के लिए मर जाना चाहिए, फोन बंद कर दे और अपने घर से कांटेक्ट तोड़ दे, और तब फिर वो व्यक्ति पढ़ने बैठे धाम यात्रा में जाए। लोग धाम में भी लगे रहते हैं, कथा चल रही होती है उसमें उठ रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं, बिजनेस चलता है, किसी का ऑफिस चलता है, कोई वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप पे लगा रहता है, इधर लेक्चर भी सुन रहा है, परिक्रमा भी कर रहा है वृंदावन नवदीप, और काम भी चल रहा है उसका, स्टेबिलिटी नहीं है ना। फिर ऐसा व्यक्ति यात्रा करेगा एक साल, दो साल, पांच साल, छह साल, फिर 10 साल बाद, अरे वो वाले डिवोटी दिखते नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं थे और उनको किसी ने गाइड नहीं किया, रुको बंद करो कुछ जाने दो, अंदर अंदर सतोगुण गया नहीं ना, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं है, छोड़ जाता है व्यक्ति। तो इसी प्रकार जब हम जप करने बैठे, शास्त्र कहते हैं जपा प्लानिंग से होता है, रीडिंग प्लानिंग से होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां प्लानिंग से चलती हैं, प्लानिंग 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 प्लानिंग, हेड्स प्लान करते हैं, फिर ये। तो ऐसे ही रीडिंग करने का प्लान होना चाहिए कि इस पुरुषोत्तम अधिक मास में मुझे चैतन्य चरितामृत का आदि लीला तो कम से कम पूर्ण करना है, प्लानिंग। उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, उनको रोकना है। मैं ज्यादा इधर नहीं करूंगा, मैं उधर नहीं घूमूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं एक महीने के लिए कोचिंग से छुट्टी ले लूंगा, एक महीने में ऑफिस में ऐसे बोल दूंगा, हाफ डे ले लूंगा। यात्रा में जाते हैं 10 दिन अपने शादी में रिश्तेदारों में, तब भी तो करते हैं प्लानिंग, लेकिन गीता भागवत पढ़ने के लिए कोई प्लानिंग, इसमें टाइम मिलेगा तो रात में सोते सोते पढ़ेंगे, कुछ लोग तो सोने के बाद और उठने से पहले पढ़ते हैं, बोले तकिए के पास रख के सोते हैं, प्रभु जी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, फिर उठते हैं तो फिर प्रणाम करके फिर ऑफिस चले जाते हैं, ये कोई पढ़ना हुआ। ऐसे तो कई वर्ष 18 बार गीता पढ़ लो, 20 बार गीता पढ़ लो, ज्ञान दीपेन भाष्वता नहीं होगा, वो अंधकार का अंधकार बना रहेगा।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.